दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये नोटिफिकेशन 13/3/2024 को आ चुका है, लेकिन आप जो है फॉर्म 20/3/2024 से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट है 19/4/2024 रजिस्ट्रेशन करने का। तो वो करना रहेगा दोस्तों upmetrorail.com, तो इधर जाना रहेगा और अप्लाई करना रहेगा। इसका एडमिट कार्ड 30/4/2024 को आ जाएगा और टेंटेटिव डेट दी गई है रिटर्न एग्ज़ाम की, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वो दोस्तों 11/5/2024, 12/5/2024 और 14/5/2024 ये टेंटेटिव डेट दी गई हैं जिन पर रिटर्न हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि वैकेंसी तो है, उनका क्या डिटेल है, क्या मतलब किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, क्या है। तो दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, पे स्केल 50,000 से 1,60,000। वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है, जैसे अंडर रिजर्व में 2, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 5, ST के लिए 1, वोमेन के लिए 2। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BBTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगी, अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, लेकिन ये क्वालिफिकेशन जो है 60% के साथ होना चाहिए, ठीक है। फॉर अंडर रिजर्व EWS OBC कैटेगरी 50% SC ST कैटेगरी के लिए चलेगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 1/3/2024 के हिसाब से सभी के लिए काउंट होगा जो 21 से 28 है यहाँ पे। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिए गए मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो एज़ पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का जो भी है वो जो है फॉलो करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों E2 के लिए असिस्टेंट मैनेजर SNT 50 से सेम है, वैकेंसी 6 हैं जो अंडर जन 2, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, ST के लिए 1 और वुमेन के लिए। BBTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 60% होना चाहिए, ऑलरेडी वही 50-60 वाला जो अभी रेशियो बताया था वही है, 21/28 रेज लिमिट, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल वाला ही वही लगेगा मेडिकल के लिए। नेक्स्ट E3 असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन सेम सैलरी पे और वैकेंसी 3 है रिजर्व में, 1 EWS के लिए, OBC के लिए, BBTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और 60% चाहिए बता दिया गया है, 21/28 रेज लिमिट। नेक्स्ट E4 असिस्टेंट मैनेजर IT, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी रिजर्व में, 2 OBC के लिए, 1 पे स्केल बता दिया गया है, 21/28 रेज लिमिट, मास्टर डिग्री चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBTech भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, 60% होना चाहिए सॉरी। नेक्स्ट है E5 असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, तो CA चाहिए फ्रॉम बताया गया दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ICWA चाहिए, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि भाई 21/28 रेज लिमिट और एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल वाला जो भी है वो लगेगा यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, तो यहाँ पर BArch चाहिए, 5-year कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव है उससे होना चाहिए 60% के साथ, अंडर रिजर्व में 1 वैकेंसी, 21/28 रेज लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर HR, तो सीधे MBA HR, PGDM HR चाहिए, 2 वैकेंसी हैं रिजर्व में, 1 OBC के लिए, 21/28 रेज लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, तो मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन है वही चाहिए रिलेटिव, 21/28 एक वैकेंसी। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी मास्टर चाहिए 50 से वही सेम और एक वैकेंसी रिजर्व में, 21/28 रेज लिमिट।
नेक्स्ट आगे चलें, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल चाहिए, सीधी सी बात है, 60-50 का यहाँ पे भी रेशियो और 88 वैकेंसी अच्छी खासी। तो रिजर्व में 30 EWS के लिए, 13 OBC के लिए, 25 SC के लिए, 18 ST के लिए, 1 वोमेन के लिए, 17 EWS के लिए, 4 DFF के लिए, 1 और 33,000 से 67,300 पे स्केल रखा गया है। 21 से 28 रेंज लिमिट, ठीक है। बाकी अब ये देखो, मेडिकल के लिए पढ़ लो। जूनियर इंजीनियर SNT, तो भैया देखो डिप्लोमा चाहिए, जैसे वहाँ बीटेक चाहिए थी, कम डिप्लोमा चाहिए। स्टेशन कंट्रोल, कम ट्रेन ऑपरेटर, तो यहाँ बता दिया गया है कि भैया 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। 155 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज बता दिया गया, 21 से 28 रेज लिमिट। अकाउंट असिस्टेंट, तो BCom चाहिए, बैचलर चाहिए, सीधी बात है, 8 वैकेंसी हैं। पे स्केल 25,000 से 51,000 रहेगा, यहाँ थोड़ा अलग दिखाया है। ऑफिस असिस्टेंट HR, तो 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन, जो किसी भी ब्रांच से चलेगा 60% के साथ। 4 वैकेंसी में 25,000 से 51,000 रुपये जैसा पेश कर रखा गया है। 20 से 28 ईयर एज लिमिट। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, सेम पे स्किल, 4 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री चाहिए, मास कम्युनिकेशन रिलेटिव, तो यहाँ बता दिया गया है। 21 से 28 एज लिमिट। नेक्स्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैन ट्रेनर, 19,500 से 39,900, तो 78 वैकेंसी। IT चाहिए, NCVT, SVVT, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। 21 से 28 रेज लिमिट, ठीक है। SNT के लिए वैकेंसी है, सेम पे स्किल, 26 वैकेंसी। IT NCVT सब, मतलब फाइनली बात करो तो यहाँ पे ITI डिप्लोमा BBTEC सब के लिए वैकेंसी है। बहुत ही शानदार मौका है और इधर अप्लाई करने का, तो सबका जॉब प्रोफाइल, ये सब चीज़ें दी गई हैं। सिलेक्शन का तरीका क्या है वो बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया। E1, E2, E3 ग्रेड के लिए 2 स्टेज प्रोसेसर, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी। नेक्स्ट बताया गया असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर HR, PR और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ के 2 स्टेज प्रोसेस, रिटन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर के लिए जो बताया गया है वो दोस्तों 2 स्टेज प्रोसेस और रिटन एग्ज़ाम, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट बात करें स्टेशन कंट्रोल, कम ट्रेनर ऑपरेटर, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई, 3 स्टेज है रिटन एग्ज़ाम, तो ये बता दीजिए। मेडिकल सब भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट वगैरह। नेक्स्ट बात करें अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट, HR, PR असिस्टेंट, तो यहाँ पर बताया गया कि 2 स्टेज प्रोसेस है, रिटन एग्ज़ाम टेस्ट को फॉलो करना है, वो चीज़ बताई गई सब, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करें मेंटेनर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनर SNT, तो यहाँ पर भी बताया गया 2 स्टेज, तो वही चीज़ यहाँ पर, ठीक है, अलग से कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर इसमें डिटेल में बताया गया रिटन एग्ज़ाम क्या रहेगा, ये क्या रहेगी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है, तो अच्छे से पढ़ लेना है। तो भैया ये बाउंड बताया गया है, ये बाउंड है, पढ़ लो, ये भरना पड़ेगा आपको अगर आपने छोड़ा तो, ये 3 ईयर के अंदर तो आपको ये सब चीज़ें भरनी पड़ेगी, आपको पढ़ लेना है। ये आपको छोड़ा है तो पढ़ना है, नहीं छोड़ना है तो कोई टेंशन नहीं। एज की छूट दी गई है 5 साल का SC ST OBC के लिए, ये सब बता दिया गया यहाँ पर। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का तरीका बताया गया आपको, www.upmetrorail.com के कैरियर ऑप्शन में जाना, कैरियर में रिक्रूटमेंट 2024 में जाना, वहाँ जाके जो है आपको ये फॉर्म वॉर्म सब जो है करना है, ठीक है, ये सब आपको जो है वहाँ पर जाके अप्लाई करना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। 20-3-2024 10 बजे से फॉर्म भर पाओगे आप,
अभी कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, तो अभी जाके मेहनत करते रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।